असलोर्स माइजान चीमा वेलकम बैक विदर वीडियो ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद आज के स्टीडियो में जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का जनरल ब्लॉक है उसका ओवरऑल एक्सप्लेन करूँगा जनरल का अगर काउंट किया जाए तो टोटल बनते हैं 18 सेक्टर्स जिसमें 16 सेक्टर्स मेन है फिर दो सेक्टर्स एक्सटेंशन के साथ हैं तो एटीन सेक्टर्स बन जाते हैं जिसमें सिक्स एक्सटेंशन है और सिक्सटीन एक्सटेंशन है और सिक्सटीन सेक्टर्स जो है वैसे काउंट होते हैं जनरल ब्लॉक के अब डिवेल्पमेंट की बात करें तो सेक्टर वन जनरल ब्लॉक का फुली डिवेल्प्ड है फुली पोजेशनबल है सेक्टर टू की बात करें तो उसकी दो स्ट्रीट्स डिवेलप्ड हैं और इसके अलावा उसमें बाकी सारे एरिया नॉन डेवलप्ड है अगर हम बात करें सेक्टर थ्री की तो फुली नॉन डेवलप्ड है फुली उसमें कोई काम नहीं हुआ सेक्टर फोर फुली नॉन डेवलप है उसमें कोई काम नहीं हुआ सेक्टर फाइव की बात करें तो उसमें सेवेंटी परसेंट एरिया या एटी परसेंट एरिया डिलीवर्ड है यानी कि अगर आप सेक्टर टू को और सेक्टर फाइव को मिलाएं तो एक सेक्टर बनता है जो डिवेलप्ड है तो टोटल तो अगर एटीन में से काउंट किया जाए तो दो सेक्टर हैं जो डिलीवर्ड हैं बाकी सारे सेक्टर सिक्सटीन सेक्टर जो हैं वो नॉन डिवेल्प्ड हैं अब जनरल बात करें तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं फुटेज ये सारी सेक्टर टू की बनती है और राइट साइड पर सारा सेक्टर फाइ वन है और इसके रोड के अपोजिट साइड सेंटर में जो रोड है दो फीट वाइड उस रोड का नाम है स्कूल एवेन्यू और स्कूल एवेन्यू के अपोजिट साइड पर जो रोड है उस रोड का नाम है और सेक्टर का नाम है सेक्टर फाइव राइट right नाउ जो फोटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सेक्टर टू और फिर आगे पार्शली आगे एक्सटेंड होती जाती है सेक्टर थ्री की तरफ फिर सेक्टर फोर भी इस तरफ है ये जो सेक्टर्स हैं ये सारा एरिया नॉन डेवलप है बैक साइड पर जो आपको एक वाटर टैंक नजर आ रहा है ये ओवरसीज का डिस्ट्रिक्ट टू कह लें इसको डिस्ट्रिक्ट वन जो है उसमें स्ट्रीट वन से लेकर स्ट्रीट फोटी फोर तक मुकम्मल डेवलप्ड है और बाकी स्ट्रीट फोर्टी फोर से लेकर स्ट्रीट सिक्सटी तक जो एरिया है वो नॉन डेवलप्ड है अगर जनरल सेक्टर टू की बात जनरल के डिस्ट्रिक्ट टू की बात करें उसमें पार्शली डिवेलपमेंट हुई है लेकिन इन ओवरऑल जनरल देखें तो सेक्टर वन के अंदर सिर्फ आपको सेक्टर वन और सेक्टर फाइव जो है वो डिवेलप मुकम्मल नज़र आता है बाकी जो एरिया सेक्टर टू का है वो पार्शली डिवेल्ड है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी और सेक्टर थ्री ऑनवर्ड जितना एरिया बनता है वो सारा का सारा नॉन डेवलप्ड है मैं वीडियो को आगे लेके जाता हूँ ड्रोन को मैं जिस तरफ सेक्टर फोर थ्री फोर और ये एरिया बनता है उस तरफ की फुटेज आप देख लें तो ज़मीन पर सिर्फ रॉ लैंड है ये रॉ लैंड से सम्राज सोसाइटी क्लेम करती है कि उनके पास ये ज़मीन है बट एक्चुअली साइट की तरफ साइड पर एस सच को मशीनरी की मूवमेंट आपको नजर नहीं आती प्रॉपर यहाँ पर कुछ एरिया तो ऐसा जहाँ पर फसलें काश्त हो रही हैं तो लेट सी के भी फ्यूचर में क्या होता है क्योंकि ग्लोबल सिटी की मैनेजमेंट का सबसे बड़ा क्लेम है कि हमारे पास सवा तीन लाख नाल जमीन मौजूद है लेकिन एक्चुअल हम जमीन जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिलीवरी ऑन द साइट अगर मैं लोल्ड सिटी की एक्चुअल गूगल अर्थ पर साइट की डेवलपमेंट की बात करूँ तकरीबन आपको एट सिक्स हंड्रेड एकर्स जो है जमीन पर डिलीवर्ड नजर आते हैं दैट मेक्स अराउंड फोर्टी फोर हंड्रेड कनाल जो जमीन पर डिलीवर्ड है इस पूरे एरिया में बाकी लैंड की प्रिक्योरमेंट जो है जहाँ तक लोल्ड सिटी की मैनेजमेंट क्लेम करती है डेफिनेटली उनके पास वो लैंड की प्रक्योरमेंट होगी लेकिन ये लैंड की प्र्य्योरमेंट के बारे में मुझे एज सच कोई क्लियर आइडिया नहीं है बिकॉज लैंड की वेरिफिकेशन जो है वो मैनेजमेंट खुद ही कर सकती है उसके डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिक होते नहीं है जब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे तो डेफिनेटली हम उस बात पर कमेंट कर सकते हैं कि यस सी एरिया डेवलप्ड

उंड नजर नहीं आती बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि यार डेवलपमेंट गया वो हो गया है हाँ ये yes, मोटरवे के अपोजट साइड और ब्लूल्ड साइड की जनरल टू लॉन्च किया जा रहा है पे उसके अलावा आवाई ब्लॉक है और भी डिस्टिंग सेक्टर्स होंगे लेकिन वहां पे अभी क्योंकि फिजिकली हम जा नहीं सकते सिर्फ ये कि ड्रोन से वीडियो बना सकते हैं एरिया की लेकिन फिजिकली वहां तक जाने की एक्सेस अभी तक पॉसिबल नहीं है और फिर एम होते हुए जागी जाएं, गली गलीगीर रोड जाएँ गलीगीर रोड से वापस आएँ और फिर उस एरिया की वेरफिकेशन करें क्योंकि उस एरिया में क्योंकि अभी तक ना कोई मैप है ना कि और डिटेल्स हैं तो ना मुझे जाने की जरूरत है ना मैंबर्स को ऐसे क्योंकि वहां पर ऐसा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी की नहीं है जब करेंगे तो डेफिनेटली उस हवाले से मैं बाद में अपडेट कर दूँगा ये अब आप ओवरसीज सेक्टर से मैं ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट टू से वापस जा रहा हूँ स्कूल एवेन्यू की तरफ ये जो सारा एरिया आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर फोर का सेक्टर टू का और इसके अलावा सेक्टर थ्री का एरिया है सॉरी मैंने एक वीडियो स्टार्ट में गलती कर दी थी सेक्टर फोर का भी थोड़ा सा पार्ट है जो कह लेंगे तक टेन परसेंट पार्ट कह लें फिफ्टीन परसेंट पार्ट कह लें जहाँ पे एरिया में अभी तक डेवलपमेंट जो है कुछ ब्राउनिंग का काम हुआ है अदर देन दैट ब्लूअल्ड सिटी के इन पाँच सेक्टर्स में सेक्टर सिक्स सिक्स एक्सटेंशन इनके बारे में डेवलपमेंट जो है वो ये स्कूल एवेन्यू आगे लीड करेगा तब क्लियर होगी सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये जो सेक्टर्स हैं और सिक्सटीन एक्सटेंशन ऑफ कोर्स वहां तक अभी तक डेवलपमेंट नहीं पहुँची या वहाँ तक अभी तक मशीनरी नहीं पहुँची एक्चुअल साइट जब विजिट करते हैं तो आपको ये चीज़ें तब अंडरस्टैंड होती हैं फॉर द टाइम बिंग जब ग्लोबल सिटी में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है दैट इज़ इन सेक्टर वन अभी सेक्टर वन में प्रॉपरली हर स्ट्रीट कारपेट नहीं हुई सेक्टर फाइव हर स्ट्रीट कारपेट कारपेटिंग पर स्ट्रीट का लेआउट प्लान ड्रा हुआ है कि हाँ ये स्ट्रीट है वहाँ जैसे कच्चे रस्ते होते हैं स्ट्रीट के ड्रा किए जाते हैं उस तरह से लेआउट प्लान ड्रा हुआ है बाकी जो सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होती है जैसे कारपेटिंग होगी जैसे अंडरग्राउंड सेवरेज होगी जैसे उसके साथ साथ आपकी ब्राउनिंग हुई है कुछ पार्ट में और सेक्टर फाइव में कुछ ब्राउनिंग का पार्ट भी बाकी है जहां पर ब्राउनिंग तक नहीं हुई ये सेंटर में ग्रीन पार्ट नजर भी आ रहा है ये कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं उसके अलावा अगर कर बात करें जी हम के जो प्रॉपर स्ट्रीट्स की कारपेटिंग प्रॉपर सेवरेज प्रॉपर आपकी स्ट्रीट, स्ट्रीट लाइट्स का लगना प्रॉपर आपका हॉल्टीकर्चर का काम इनमें से कोई काम जो है अभी तक इन सेक्टर्स में नहीं हुआ महा से वाय सेक्टर वन में थोड़ा सा है काम वहां पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हैं सीवरेज का काम भी हुआ हुआ है और वहाँ पर ब्लू सिटी ने जो पांच मल्ला के विलास बनाए थे थर्टी नाइन विलाज है वहाँ पर पांचमल्ला के सरीन विलास के नाम पर तो वो भी आपको उसी जगह पे मिलते हैं उसके साथ साथ बाकी जो एरिया बनता है रेजिडेंशियल का वो तमाम का तमाम एरिया अभी तक जो है वो नॉन डेवलप है ये अभी जो आप एरिया देख रहे हैं ये सेक्टर टू से आगे जो आगे सेक्टर टू और पीछे जो वाटर टैंक है और इसके दरियान में जो एरिया है ये सारा सेक्टर थ्री और सेक्टर फोर बनता है जो फिज़िकली मेरे ख्याल है कोई इंडिविजुअल चाहे तो जाके साइड पर ख़ुद विजिट कर सकता है अगर आप वैसे फोटोज देखना चाहते हैं तो आप इसको वैसे टैली कर सकते हैं कि इस वक्त जो साइड पर डेवलपमेंट की सूरत आला है वो कहाँ पर स्टैंड करती है और इसी सेक्टर को पीछे तक एक्सटेंड एक एक्सटेंड करते जाएं लेंथ में जाते जाएं तो आपको जो एरिया मिलता है वो सारा फिर आके सेक्टर सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन का एरिया मिलता है जहाँ पर अभी तक मेरा ख्याल है कि लिटिगेशन के इशूज़ मौजूद हैं क्योंकि फिजिकली मुझे ज़मीन पर प्रॉपर आबादी भी नज़र आ रही है अब देखते हैं गूगल अर्थ पर लोकेशन पर जाके कि कौन सा एरिया कितना डेवलप हुआ है और बाकी बातें मैं वीडियो में आगे जाकर ऐड कर दूँगा इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो पहले पाँच हैं मास्टर प्लान दे सकते हैं मैं शुरू वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा मैं डायरेक्टली जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको डिस्कस करूंगा वीडियो का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस लिखा हुआ है और ये स्कूल एवेन्यू है स्कूल एवेन्यू के साथ ही बिल्कुल लेफ्ट साइड पर एक बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर जाहिर सी बात है ब्लू वर्ल्ड सिटी का अपना अपना हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस होगा इसके साथ अगर हम बात करें ये सेक्टर वन का एरिया है अगर सेक्टर वन के एरिया को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ तो ये जो आपको एक पर्पल लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली डिवाइड करती है सेक्टर वन और सेक्टर टू को सेक्टर वन की अगर बात करें सेक्टर वन के अंदर तमाम एरिया फिजिकली जो है वो इस वक्त तो डिवेलप्ड है और पोजेशनबल है और उसमें एज सच कोई लिटिगेशन का एरिया नहीं आता ये सेक्टर वन के अंदर जहाँ पे ये सारी जो रेड पर्पल लाइन है सिर्फ उसमें एक स्ट्रीट है ये आई थिंक रोड फोर है सिक्सटी फीट वाइड इस एरिया में अभी तक वो जो एक प्लॉट नंबर में अगर डिस्कस करूँ स्पेसिफिकली आई थिंक ये पच्चीस पैंतालीस के प्लाट बनते हैं आठ से लेके कर आठ फिर आठ से लेकर आठ जो आठ से लेके आठ प्लॉट नंबर है ये अभी तक नॉन डेवलप्ड है बाकी एरिया डेवलप्ड है अगर पीछे आएँ इसी रोड पे तो बल्कि नहीं इनफैक्ट ये जो पीछे वाला एरिया है बल्कि रोड फोर से रोड uh, फोर के ऊपर जितने प्लॉट्स हैं मोस्टली नॉन डेवलप्ड हैं डेवलप प्लाट की अगर काउंट करें बात तो सिर्फ ये जो शुरू के प्लाट्स हैं अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ सेवन हंड्रेड प्लाट्स सेवनटीन सात सौ पंद्रह सात सौ आठ सात सौ पंद्रह और नीचे से मतलब फिजिकली काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एटलीस्ट कोई ना ना करते हुए तो अस्सी नब्बे प्लाट होंगे जो नॉन डेवलप्ड होंगे इस साइड पे इस साइड पे आते हैं रोड फोर पे तो आपको वन जीरो नाइन वन जीरो फोर जीरो ये वाला एरिया नॉन डेवलप्ड है ये प्लाट जो वन ज़ीरो फोर जीरो है ये नीचे इसके प्रॉपर लैंड जो अभी तक वो ब्राउन भी नहीं हुई ये फिजिकल फिटनेस कर सकते हैं अच्छा जी आगे चलते हैं ये सेक्टर वन फुली डेवलप्ड है मैं इसको फुली डिवेल्प काउंट करूँगा क्योंकि जब एक सेक्टर बड़ा होता है तो बीच में साठ सत्तर प्लॉट अस्सी प्लॉट काउंट नहीं होते कि वो नॉन डेवलप्ड है अगर इसको काउंट करना चाहते हैं तो आप कह लेंगे नाइन्टी परसेंट डेवलप्ड हैं नाइन्टी फाइव परसेंट डेवड है बट मेन अगर देखें सेक्टर टू पे आ जाएँ तो सेक्टर टू के अंदर जो एरिया डेवलप्ड है वो बनता है आपका अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो सेक्टर टू के अंदर शुरू का जितना एरिया है बल्कि इनफेक्ट मैंने गलती में गलती से कह दिया कि ट्वेंटी थर्टी परसेंट डेवलपड है सेक्टर टू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है सेक्टर टू के अंदर आपको मोस्टली एरिया डेवलप्ड ही नज़र आता है इसमें ऐसा है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ आ गई है सेक्टर टू और सेक्टर थ्री के दरमियान में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है पर्पल लाइन ये सेक्टर टू और सेक्टर थ्री को डिवाइड करती है तो सेक्टर वन और सेक्टर टू आप कह लें कि फुली डेवलप्ड है अब सेक्टर थ्री की अगर बात करते हैं तो सेक्टर थ्री के अंदर जाते हैं तो आपको सेक्टर थ्री के अंदर कोई एक भी प्लॉट डिवेलप नज़र नहीं आता ये नीचे यहाँ पे कुछ प्लॉट डेवलप्ड हैं सेक्टर थ्री फुली नॉन डेवलप्ड है उसमें कोई प्लॉट प्रोजेशनेबल नहीं है जो सेक्टर फोर है उसके अंदर ये जहाँ पे मॉस्क बनी हुई है मॉस्क का प्लॉट है साथ ग्रैंड मॉस्क का प्लॉट है लेकिन यहाँ वाटर टैंक बन रहा है तो इसके साथ नीचे वाले जो स्ट्रीट्स हैं जिसमें आपको कह लेंगे स्ट्रीट थर्टीन फोर्टी इलेवन टेन इलेवन एंड थर्टीन जो स्ट्रीट्स हैं और स्ट्रीट नंबर नाइन ये वाला एरिया थोड़ा सा डेवलप्ड है और प्रोजैशनेबल तो खैर यहाँ पे अंडरग्राउंड सेवरेज वाला काम भी हुआ हुआ है तो मेरा ख्याल है कि अगले महीने डेढ़ दो महीने छः महीने के अंदर ये प्रदर्शन हो जाएगा लेकिन इसकी एक्सेस का मसला होगा कि इस तरह से भी एक्सेस इसको डायरेक्ट रोड नहीं पहुँचता बाकी जो एरिया यहाँ पे अगर देखा जाए नीचे वाली साइड पर तो ये सेक्टर फोर का एरिया फुल्ली नॉन डेवलप्ड माँ सिवाय इस तीन स्ट्रीट्स के और इसके अलावा जो ये जू और ग्रीन एरिया बनता है काफ़ी बड़ा एरिया मेरे ख्याल जो ये बनेगा तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट होगा इसके पीछे ये वाला एरिया बनता है ये भी सारा एरिया नॉन डेवलप्ड है तो सेक्टर फोर के अंदर कुछ पार्शल पार्ट कह लें आप ये सेक्टर फोर नहीं कह सकते इसको ये सेक्टर टू ही बनता है ये या दोनों सेक्टर्स में नहीं आता क्योंकि सेक्टर टू ये है सेक्टर थ्री ये है सेक्टर फोर ये है ये एक सेपरेट पार्ट है इसको जू ग्रीन एरिया या कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कह लें ये वाला एरिया जो ये कुछ पार्ट इसका जो ये बाउंड्री लाइन है जो बनता है आपका रोड बनता है सौ फिट का इस राउंड का जो लेआउट प्लान है वो एक सर्टन पार्ट पर ड्रा हुआ हुआ है जो ये वाला पार्ट बनता है बाकी यहाँ नॉन डेवलप्ड है अगर हम बात करें सेक्टर फाइव की तरफ क्योंकि मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी का रिसेंटली अभी इसको मैप को स्टडी करना शुरू किया तो मेरी गलतियाँ कुछ हों तो डेफिनेटली वो मैम्बर इग्नोर कर सकते हैं मैं इतना अभी तक एक्सपर्ट नहीं हुआ ब्लू वर्ल्ड सिटी का जैसे मैं कैपिटल स्मार्ट का एक एक्सपर्ट हूँ इस वाले से मेरी गलतियाँ मिस्टेक्स कैन बी फॉर गिवन अच्छा इसमें आ जाते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई भी थी जिसमें एक्सप्लेन किया था कि इसमें थोड़ा सा पार्ट ऐसा जो भी नॉन डेवलप्ड है और शुरू में कुछ यहाँ पे पार्ट आता है जो भी नॉन डेवलप है जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है इस सेक्टर में अगर देखा जाए प्रॉपर जो जहाँ पे आपको रोड नेटवर्क मुकम्मल नज़र आता है जहाँ पे आपको सीवरेज वगैरह मुकम्मल नज़र आती है वो सेक्टर वन है फिर आपका सेक्टर टू पार्शली जहाँ पे रोड नेटवर्क सीवरेज वगैरह है उसके अलावा आपको सेक्टर फाइव में भी अभी रोड नेटवर्क जो है वो मिलना बाकी है अभी तक वो बनना इनकम्प्लीट है जब होगा तो डेफिनेटली आई शेयर द अपडेटेड वीडियोस ऑफ द साइट अगेन बैक टू रियल टाइम फोटेज दोबारा आपने स्क्रीन पर वही जू वाला एरिया उसके पीछे बिल्कुल सेक्टर थ्री और सेक्टर फोर के एरिया और आपके लेफ्ट साइड पर जो है नॉर्थ साइड पर आपका बनता है सेक्टर वन और सेक्टर टू सेक्टर वन की भी तकरीबन फुली डेवलप्ड है सेक्टर टू भी फुली डेवलप्ड है और सेक्टर फाइव जो है वो भी फुली डेवलप्ड है सेक्टर फोर और सेक्टर थ्री जो है उनमें भी अभी तक लिटिगेशन बाकी है क्योंकि आपको ज़मीन पे प्रॉपर फसलें नज़र आती हैं फिर आगे सिक्स ऑनवर्ड अगर बात करें सिक्सटीन एक्सटेंशन तक तो वहाँ तक एरिया जो है वो अभी तक तो फिजिकली ग्राउंड पे नहीं क्लियर हो सका मैं मैं आपको वैसे भी स्टडी कर रहा हूँ तो जब मैं मजीद इसमें डिटेल से स्टडी कर लूँगा तो इन मैं आपको मेंबर्स को जो मोस्ट अपडेटेड वीडियोस होंगी साइट की उस हवाले से बता दूंगा अभी फॉर द टाइमिंग ग्लोबल सिटी की अच्छी बात यह है कि इन्होंने जिस एरिया में पोजेशन दिया है उस एम में मेबर्स घर भी बना रहे हैं और यहाँ पर पोजेशन लेकर अपने लिविंग भी स्टार्ट करेंगे सो व्यार दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको ग्लोबल सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो देखे नंबर पर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज तो लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज